हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी नेम रिएक्शन। आज इसका नाम है एशन मॉज़र टेनेबी फ्रेगमेंटेशन। ये रिएक्शन किसके प्रिपरेशन के लिए यूज़ की जाती है, या फिर ये रिएक्शन होती कैसे है, ये कौन से जो रिएक्टेंट्स हैं, कौन रिएक्टेंट इस रिएक्शंस को देता है, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसे क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम इसे प्रिपरेशन कर सकते हैं साइक्लिक एल्काइल नोन्स की, मैं अब आगे बताऊंगी। साइक्लिक एल्काइनल्स की, एल्काइन नोन्स वाया द साइक्लिक इपॉक्सी कीटोन रीअरेंजमेंट। ओके, इस रिएक्शन में हम साइक्लिक एल्काइनोन्स बना सकते हैं, साइक्लिक एल्काइनल्स बना सकते हैं, एल्काइनोन्स बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? इपोक्सी कीटोन की हेल्प से। मतलब इसमें इपोक्साइड प्लस कीटोन आपकी जो रिएजेंट है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, रिएक्टेंट जो है आपका, और इपोक्सी कीटोन रीअरेंजमेंट की हेल्प से हम इन प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी रिएक्शन को कहते हैं जिनसे सारे आपके जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ठीक है, आप जो इनकी प्रिपरेशन करते हैं वो एशन मॉज़र टेनेबी फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इसमें जो आपका रिएक्टेंट है जो आप लेंगे उसमें इपोक्साइड और कीटोन दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए। इपोक्साइड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे बनते हैं इपोक्साइड। ओके, ये इपोक्साइड है, ये कीटोन है, तो इन्हें बोलेंगे इपोक्सी कीटोन। आपको रिएक्टेंट मिल गया है, उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं टोसाइल हाइड्रा जीन से और बेस लेते हैं, देन आपका जो नाइट्रोजन पर जबकि लोन पेयर से वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है उसके 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स हो गए हैं, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देन दिस पॉजिटिव प्लस माइनस एच पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से एच निकलेगा और ये इस एच को ले लेगा, तो ये कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा ओ एच एन एच एन एच TS, ओके, देन अगेन ये आपका टोसाइल हाइड्रोजन से आपको मिल जाएगा, ओके, डबल बॉन्ड N N H T S। सेकेंड आपका आपने बेस लिया है, ओके, ये बेस देखिए जो बेस होता है वो वहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जहाँ से वो कॉन्जुगेशन में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो हैं, या तो ये यहाँ से ले सकता है इस वाले हाइड्रोजन को या फिर इस वाले हाइड्रोजन को ले। हमेशा आप ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो एन से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एन, तो जब इसे हटेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड एन पे है एज कम्पेयर टू कार्बन के, देन आपको जो मिलेगा इस डबल बॉन्ड एन एन नेगेटिव, दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड एन आयन, ओके, देन दिस नाइट्रोजन दिस नेगेटिव चार्ज ये कॉन्जुगेशन में आएगा लाइक दिस, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इपोक्साइड आपके जो इपोक्साइड बॉन्ड का जो इपोक्साइड का बॉन्ड है वो आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ओ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड टी एस, ओके, देन
अगेन ये ओ नेगेटिव, ओ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से स्टेबलाइज होगा या कंजुगेशन में जाएगा, ये डबल बॉन्ड, दिस विल बी ट्रिपल बॉन्ड, ये एन टू आपका निकल जाएगा और ये आपका टी एस बाहर निकल जाएगा। सॉरी, ये आपका कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरह से। दिस इज एल्काइल नोन्स, साथ में आपका निकल जाएगा एन टू। ओके, आपको प्रोसेस समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोसाइल हाइड्रोजन लाया, आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो इपोक्सी कीटोन आपका होना चाहिए। ये एन एच टू यहाँ पे जाएगा, इस तरह से रिएक्शन करेगा और डबल बोन एन एन एच बना लेगा। सेकेंड में आपका बेस लेना है, आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आपको बेस एब्स्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से आपने एच एब्स्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है उस वो कॉन्जुगेशन में जाएगा। कॉन्जुगेशन में जैसे ही वो मूवमेंट करेगा तो ये बोन शिफ्ट होंगे, बोन शिफ्ट होने के इपोक्साइड का जो बोन्ड है आपका ओपन हो जाएगा। ओ पे इपोक्साइड बोन ओपन होने पर जो ओ पर नेगेटिव चार्ज आया वो अगेन कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये आपका निकल जाएगा। और इस तरह से एल्काइन और डबल बोन ओ आपका कार्बोनाइल ग्रुप से जाएगा और एन टू आपके बाहर निकल जाएगा।